हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी टमाटर के पकौड़े। तो दोस्तों, आप लोग तो पकौड़े बहुत खाए होंगे, पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, लेकिन इस तरह से टमाटर के पकौड़े कभी आप लोग ट्राई करना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 टमाटर। तो दोस्तों, टमाटर का हम ना इस तरह से कैप निकाल देंगे और ना इसका पेट खाली कर देंगे। टमाटर का इसमें जो भी मटेरियल है अंदर उसे निकाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें टमाटर का पेट खाली कर लेना है। इसमें जरा भी इसका मटेरियल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग भरने में ना प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, इसी तरह हम सब टमाटर का मटेरियल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी टमाटर का मटेरियल निकाल दिया है। तो दोस्तों, इसे हम ना फेंकेंगे नहीं, इसे ना हम दाल या सब्जी या चटनी में यूज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ना टमाटर इस समय बहुत महंगा मिल रहा है। आप लोग के यहाँ महंगा है कि सस्ता, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब इसके लिए ना हम बनाएंगे स्टफिंग। तो मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। तेल को गर्म होते ही इसमें डाल देंगे जीरा, साथ ही में डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको थोड़ा हम भून लेंगे। तो दोस्तों, पकौड़े का टेस्ट बढ़ाने के लिए और कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और गरम मसाला। इन्हें भी हम भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। आलू डालने के बाद हम अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, आलू को ना मैंने पहले से उबाल के मैश करके रख दिया था। ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, पकौड़े के लिए ना स्टफिंग बन गई है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों, अब हम बनाएंगे ना इसके लिए बैटर। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है बेसन। अब हम बेसन में डालेंगे ना थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी पाउडर और नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो दोस्तों, बेसन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसलिए मैंने मिलाया
कि पकौड़े का ना ऊपर से कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। तो दोस्तों बैटर बनाते समय ध्यान रखना कि बैटर में ना जरा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे बनेंगे नहीं आपके। तो दोस्तों इस कंसिस्टेंसी तक हमें बैटर को रखना है। तो चलिए बैटर बनकर रेडी है, अब हम टमाटर में स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमें टमाटर के अंदर स्टफ कर लेना है आलू का। तो सभी टमाटर में मैंने स्टफिंग भर दिया है और अब इसे हम क्या करेंगे ना, फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले से कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर के पकौड़े। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टमाटर को ना इस तरह से हम बैटर में डालेंगे और चम्मच से इसे हम इस तरह से इसके ऊपर बैटर डालते हुए कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे टमाटर को भी डाल देंगे, उसे भी अच्छे तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों गर्मा गर्म टमाटर के पकौड़े बनकर रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।